मुझे बहुत दुख हुआ कुछ दिन पहले जब अमित शाह जी ने दिल्ली की पढ़ाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और उसका मजाक उड़ाया। मुझे बहुत दुख हुआ जब अमित शाह जी ने दिल्ली के बच्चों का मजाक उड़ाया, दिल्ली के पेरेंट्स का मजाक उड़ाया, उनकी मेहनत का मजाक उड़ाया। तब मैंने कुछ दिन पहले उनको न्योता दिया। मैंने कहा आप आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको दिल्ली के स्कूलों में लेके चलता हूँ, मैं आपको कुछ पेरेंट्स से मिलवाता हूँ, मैं आपको कुछ टीचर्स से मिलवाता हूँ। अब देखिए तो सही कि बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। अब देखिए तो सही कि उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उसके बाद मुझे बहुत खुशी है, अमित शाह जी ने अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, सारे सांसदों को दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों में सारी कमियां निकालने के लिए भेज दिया। पिछले 3-4 दिन से पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर्स, सभी सांसद लेंस लेके पूरी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उसकी कमियां निकालने के लिए घूम रहे हैं और सारी पूरी इनकी जाँच का नतीजा आज उन्होंने ट्वीट कर दिया अमित शाह जी ने। उन्होंने कहा है कि 8 स्कूलों में, टोटल कितने स्कूल हैं? 1024 स्कूल है हमारे। उन 1024 स्कूलों में से मात्र 8 स्कूलों में भारतीय जनता पार्टी और उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को मात्र 8 स्कूलों में कुछ कुछ कमियां मिली हैं, बाकी सारे स्कूल सही हैं। सो मैं दिल्ली के बच्चों को बधाई देता हूँ और दिल्ली की पेरेंट्स को बधाई देता हूँ, टीचर्स को बधाई देता हूँ कि आप इतनी कठिन परीक्षा पास हो गए आप। और उन 8 स्कूलों में जो उन्होंने कमियां निकाली हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उस कमियों की सच्चाई क्या है। जो उन्होंने कमियां निकाली है उसमें मात्र केवल उनकी दुर्भावना, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लोगों के प्रति दुर्भावना है, अमित शाह जी की जो दिल्ली के लोगों के लिए नफरत है, दिल से नफरत करते हैं अमित शाह जी दिल्ली के लोगों को, उनकी जो नफरत है, उनकी जो दुर्भावना है दिल्ली के टीचर्स के प्रति, दिल्ली के पेरेंट्स के प्रति, दिल्ली के बच्चों के प्रति, उनकी इस रिपोर्ट में वो दुर्भावना झलक रही है, उसकी सच्चाई अब मनीष जी प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। मैं उनके 8 स्कूलों के बारे में जो उन्होंने आज बोला है उसके बारे में एक बहुत बड़ा सच आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरह से वो पूरी की पूरी रिपोर्ट फ्रॉड है। एजुकेशन की बात करने की इनकी हिम्मत नहीं होती है, इसलिए शुरुआत में वहीं से करता हूँ जहाँ से इन्होंने की। इन्होंने लिखा जी, कल दिल्ली भाजपा के 8 सांसद अलग अलग स्कूलों में गए। ये गिनती भूल गए, दिल्ली में तो 7 ही सांसद हैं। खैर कोई बात नहीं, आजकल चुनाव में बिजी हैं 8 सांसद। मैं आपको पहला, इनके पहले सांसद ने ट्वीट किया, गौतम गंभीर जी ने। इनके पहले सांसद जो जिनका ट्वीट था गौतम गंभीर जी का, उन्होंने बड़े एरोगेंस के साथ लिखा, दे से फाइट द इलेक्शन ऑन एजुकेशन, आई से फाइट द इलेक्शन ऑन ट्रुथ। ट्रुथ के बाद उन्होंने एक वीडियो लगाया, मैं वो वीडियो पहले दिखा दूं, शुरू से दिखाइए इसको। ये गौतम गंभीर जी वाला है, हाँ। ये इन्होंने एक स्कूल का वीडियो दिखाया, अब इस पर दिखाया कि किस तरह से इसके बाहर, खैर बाहर का तो फुटपाथ वगैरह, ये अंदर का कुछ कुछ दिखाया। और ठीक है, अंदर आगे बढ़ा दो इसको, थोड़ा सा लंबा वीडियो है। इन्होंने दिखाया कि कितना बदहाल स्कूल है, रोक दीजिए विकास इसको, कितना बदहाल स्कूल है, कितना खराब स्कूल है, और उसका ट्रुथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद महोदय ने माननीय अमित शाह जी के सामने रखा और अमित शाह जी ने आज देश के सामने रखा है इसको। उन्होंने ट्वीट भी किया भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद महोदय ने, ट्रुथ। लेकिन उसका ट्रुथ मैं आपको दिखाता हूं, दूसरा वीडियो चलाइए, रियल खिचड़ीपुर का, ये वही स्कूल है। अब इसका, अब रोक दीजिए विकास, थोड़ा सा और आगे रखे, यहाँ रोक दीजिए, और थोड़ा सा रखिए, और थोड़ा चलाइए, थोड़ा सा प्ले करिए, बस रोक दीजिए। इस स्कूल के गेट पर एक नोटिस लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सार्वजनिक सूचना, यह स्कूल 9 अक्टूबर 2019 से एसबीवी जेजे कॉलोनी में लगेगा। स्कूल शिफ्ट हो चुका है, खाली पड़ा है, खंडर पड़ा है, उसको तोड़ा जा रहा है। स्कूल
कि बिल्डिंग पुरानी है, स्कूल पे नोटिस लगा दिया गया है कि अब इस स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिए गए हैं और इस स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ने का नोटिस जो ऑर्डर है वो मेरे पास में पब्लिक नोटिस वहां लगा रखा है। जब गौतम गंभीर जी वहां गए होंगे इस स्कूल का वीडियो बनाने, ट्रुथ बताने, तो उनको ये ट्रुथ नजर तो आ गया होगा लेकिन पढ़ नहीं पाए होंगे, शायद जलेबी में व्यस्त होंगे। वहां कल्याणपुरी खिचड़ीपुर में जलेबी चौक बड़ा मशहूर है, तो शायद उनको जलेबी याद आ गई होगी। वो सार्वजनिक सूचना नहीं पढ़ पाए बेचारे गौतम गंभीर जी। 9 अक्टूबर 2019 से ये स्कूल चल नहीं रहा है, इस स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में बैठे हुए हैं, इस स्कूल में डेमोलिशन के ऑर्डर हो गए हैं। हमारे पास में ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन से कि अभी इस स्कूल, अभी ये स्कूल, ये मैं आपको दे दूंगा, इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये स्कूल, मतलब इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा है कि अभी रुक जाइए इलेक्शन तक, क्योंकि इसके कुछ कमरों को वो बूथ के रूप में यूज करेंगे, जो भी सेफ कमरे हो, इसलिए नहीं तो ये तो अब तक डेमोलिशन हो गया होता। तो स्कूल के दरवाजे पे ट्रुथ लिखा हुआ है, गौतम गंभीर जी पढ़ नहीं पाए। दूसरा, इनके सारे सांसदों के जितने इन्होंने किए हैं मैं उनका ट्रुथ बताता हूं। तो ये दूसरा, प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी ने एक ट्वीट किया, इसको हटाओ, उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा, अभी रुक जाइए, मटियाला बिल्डिंग, हाँ रुक जाइए। तो उन्होंने क्या किया, जिस स्कूल में वो गए वहाँ एक तरफ ग्राउंड में पुरानी बिल्डिंग है, उसके सामने हमने नए कमरे बनवा दिए हैं और बहुत शानदार नई बिल्डिंग में स्कूल चल रहा है। पुरानी बिल्डिंग के कुछ कमरे भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सावधानी के साथ में पुरानी बिल्डिंग के सामने फेसबुक लाइव किया। मुझे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और वो एस्टेट मैनेजर बता रहे थे कि अपने लोगों को डांट भी रहे थे कि खबरदार अगर ये नई बिल्डिंग दिख गई तो, लोगों को कई बार झाड़ा भी उन्होंने, नई बिल्डिंग कैसे दिखा रहे, उधर मत दिखाओ, उधर मैं जाऊँगा तो नई बिल्डिंग दिख जाएगी। और उसके बाद में उन्होंने बाकायदा बहुत खूबसूरती से पुरानी बिल्डिंग में फेसबुक लाइव किया। वहाँ से पुरानी बिल्डिंग का मैं अब आपको पुरानी बिल्डिंग का वो वीडियो दिखा देता हूँ। पुरानी बिल्डिंग प्ले कर, स्कूल की पुरानी बिल्डिंग, ये पुरानी बिल्डिंग है, इसके अंदर के कुछ कमरे टूटेंगे, इसको हम तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। और इसके दूसरी तरफ जिसको वो छिपा गए, और ये है स्कूल की नई बिल्डिंग, ये नई बिल्डिंग के अंदर मैक्सिमम कमरे, इसके मैक्सिमम क्लासेस चल रही हैं। एक बार टू सेकंड वीडियो दिखा दो इसका, मटियाला टू, स्कूल के अंदर के हालात क्या हैं, जिसको प्रवेश वर्मा जी देख नहीं पाए क्योंकि उनको वो टूटी हुई बिल्डिंग का भी फेसबुक अंदर करना था। ये देखिए, ये है उस स्कूल का सच जिसका प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी ने ट्वीट किया है, ये उसका क्लासरूम है। तो हमें फक्र है इस बात पर कि ये कमियां ढूंढने चले तो कमियां भी इनको ऐसी मिली जिसमें ये नोटिस नहीं पढ़ पाए, फर्जी थी जो कमियां, कमियां फर्जी थी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।